देखो जो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वो समझ में आ गया तुमको पूरा? कोई डाउट? मैंने पिछली क्लास में आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, जिसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया था बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बताया था, फिर मैंने आपको बताया था गुड सेल होते हैं, क्रेडिट पे बेचते हैं तो अपन लोग क्या करते हैं, पूरा बताया था। एक एग्रीमेंट होता है, बोलता है मैं पेमेंट उसी को करूंगा जिसके पास क्या है, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट होगा तो पेमेंट हो जाएगा, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉअर होता है, जो एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉ ही होता है, और जिसको ड्यू डे पैसा जाएगा वो पे ही होगा, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जाम्पल बताया था, पार्टीज बताई, तीन होती है, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे ही। ड्रॉअर मतलब बिल बनाता है, ड्रॉई मतलब बिल एक्सेप्ट करता है, और पे मतलब ड्यू डे को पेमेंट किया जाता है। मैच्योरिटी डेट निकालना बताया था मैंने आप लोगों को, ड्यू डेट प्लस 3 दिन किसके, ग्रेस के। फिर ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, बोलो इसमें कोई डाउट किसी को? सारे कंसेप्ट क्लियर है? अच्छा, अगर आपको मैच्योरिटी का ड्यूरेशन डेज में गिवन होगा, तो डेज में गिवन होगा तो हमेशा मैंने आपको बताया डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल को एक्सक्लूड करके चलेंगे हम लोग, ठीक है ना, और अपन लोग डेज कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ तक कोई दिक्कत? अब लिखो अगला हेडिंग, तो आज वाली क्लास में लिखो अगला हेडिंग सबसे पहले। अब ड्रॉ ड्रॉई पे ही तो पता है, अब बताओ अगर ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, जिसको बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो बिल किसके पास है, ए के पास है कि बी के पास है? ए, तो ए कौन है, ड्रॉअर है कि ड्रॉ ही है? ड्रॉअर। तो अब लिखो ऑप्शंस अवेलेबल विद द ड्रॉअर, ऑप्शन अवेलेबल विद ड्रॉअर, और ड्रॉअर के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो लिखो पॉइंट नंबर वन, रिटेन द बिल टिल मेच्योरिटी। वो अपने पास बिल रखे कब तक, मेच्योरिटी तक, मतलब बिल खुद के ले जाए और अपनी तिजोरी में डाल दे ले जा करके। वो होता है रिटेन द बिल टिल मेच्योरिटी। सेकंड, डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, डिस्काउंट द बिल विद द बैंक। थर्ड, एंडोज द बिल, और फोर्थ, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये चार ऑप्शंस अवेलेबल है ड्रॉअर के साथ में। बिल को रिटेन करे अपने पास टिल मेच्योरिटी। अपन सबका अलग अलग अकाउंटिंग देखेंगे अभी, है ना। ड्रॉअर मतलब वो पर्सन जो क्या करता है, बिल बनाता है, और ड्रॉई मतलब एक्सेप्ट करता है। अच्छा बता, ड्रॉ के लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है, एसेट, और ड्रॉई के लिए जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेएबल, जो करता है उसके लिए बिल रिसीवेबल, ठीक है वाला, ठीक है। अब लिखो फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग ऑफ द बिल। अब अपन सारी कंडीशन में अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ऊपर वाली कंडीशन में अकाउंटिंग ऑफ बिल। अब है ना, जैसे मान लो अकाउंटिंग का बहुत सिंपल लॉजिक समझना अकाउंटिंग, ठीक है ना। ए ने क्या किया, गुड सेल किया किसको, और मान लो सेल किया तो ए ने बी को गुड सेल किया फॉर रुपी ऑन। ए क्या करता है, ड्रॉ करता है बिल ऑन बी, जिसको बी क्या कर लेता है, एक्सेप्ट। अब सबसे पहले गुड सेल किया, तो अब इसमें लिखो अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, लिखा अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें दो कॉलम बना लो, बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी, मेक टू कॉलम, बुक्स ऑफ ए एंड बुक्स ऑफ बी। ये तो केस, फिर बुक्स ऑफ ए और फिर बुक्स ऑफ बी। सबसे पहले ऑन सेल ऑफ गुड्स, ए ने गुड्स किसको सेल किया, बी को। ऑन सेल ऑफ गुड्स, ए ने गुड्स किसको सेल किया, बी को, ठीक है। अब ए ने बी को गुड्स सेल किया, तो बोलो ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा,
बी अकाउंट डेबिट टू सेल, और मान लो ये एंट्री डाली विद अमाउंट 50,000। अमाउंट तुम मत लिखना सिर्फ समझने के लिए। तो बी क्या बोलेगा, कितने रुपए से, समझ में आया? सेल किया, ए ने एंट्री करी अपनी बुक्स में बी अकाउंट डेबिट टू सेल, बी ने एंट्री करी परचेज टू ए। अच्छा बताओ ए की बुक्स में बी क्या बना, डेटर, तो असेट है। और सेल्स कौन सी कैटेगरी है, और बी की बुक्स में परचेज क्या है और ए क्या है, समझ आया? फिर ऑन ड्रॉइंग ऑफ द बिल, अब अगर बिल ड्रॉ करते हैं तो नेक्स्ट, अब कौन किसके ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, तो बी एक्सेप्ट करेगा। तो अब ए क्या बोलता है, मैं तुमको नहीं जानता, मैं सिर्फ कागज के टुकड़े को जानता हूं, और एक बार उस डॉक्यूमेंट पे साइन हो गया तो कागज का टुकड़ा बन जाएगा बिल रिसीवेबल, क्या बन जाएगा? तो ए अपनी बुक्स में कैसे एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, समझ आता है? और बी अपनी बुक्स में कैसे एंट्री करेगा, ए टू बिल्स पेएबल। ए कैंसिल किया, इसने बी कैंसिल किया, और ये असेट में बुक किया, ये इसने लाइबिलिटी में बुक किया। बोलो समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये दो एंट्री हमेशा, अमाउंट मत लिखना तुम, ये दो एंट्री हमेशा कॉमन रहनी है। मैंने जो आपको ये चार केस बताए ना, ये चारों केस में जो ड्रॉअर के पास ऑप्शंस अवेलेबल है, वो या तो बिल को अपने पास रखे मैच्योरिटी तक, बिल को डिस्काउंट करा ले बैंक के साथ, बिल को एंडोर्स कर ले, या बैंक के पास कलेक्शन को भेज दे। इन चारों केस में ये दो एंट्री हमेशा कॉमन रहेगी, फर्स्ट और सेकंड, ये दो एंट्री ऑलवेज विल रिमेन कॉलम कॉमन। आई बात समझ में? तो आप पहले एंट्री लिखो एक बार, ये वाली केस बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ अमाउंट मत लिखना है ना, और नीचे एक नोट करके लिख दो। ये लिख दो एक बार फटाफट, इन चारों केस में ये दो एंट्री हमेशा सेम रहनी है। इन ऑल द अबव फोर केस द अबव टू एंट्री विल रिमेन सेम। हो गया, क्लियर है? ठीक है, अब लिखो फर्स्ट, लिखो फर्स्ट। अब रिटेन टिल मैच्योरिटी, तो ऑन मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट। अब बताओ मैच्योरिटी डेट पे क्या एंट्री होगी, बोलो। अब मैच्योरिटी डेट पे देखो, ये दो एंट्री समझ में आ गई। अब पहला केस, अगर उसने बिल अपने पास रखा तो मैच्योरिटी डेट पे बी क्या करेगा, पैसा दे देगा उसको। मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा, अगर बिल फर्स्ट केस जो मैंने बताया ना, मैंने बताया भले कोई भी केस हो ये दो एंट्री सेम रहेगी। अब फर्स्ट केस है जब बिल को अपने अपने पास ही रखा टिल मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी तक अपने पास रखा, तो ड्यू डेट को कौन पैसा दे देगा,
बी पैसा दे देगा। अब बी पैसा ए को देगा, ए के नाम का देगा कि बिल का पैसा देगा? बोले अब ए को तो हटा चुका हूं बुक्स में से मैं। तो अगर मैच्योरिटी पे अब ध्यान रखना, बुक्स ऑफ ए पे क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और बुक्स ऑफ बी, बी बोलेगा मेरे को बिल पेबल का पेमेंट करना है टू, क्यों ए क्या बोला, ए ने क्या बोला, भैया मैं बी को तो पहले से हटा चुका हूं अपनी बुक्स से, और बी बोलेगा मैं ए को पहले से हटा चुका हूं, अब मेरे को पेमेंट किसका करना है, और ये बोलेगा मेरे को अमाउंट किसका रिसीव होगा। अब पैसा आया तब उसने बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर कर दिया, और इसने पैसा दिया तो बिल पेबल टू बैंक कर दिया। बोलो समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो लिखो आप। ऑन मैच्योरिटी डेट बुक्स ऑफ ए बैंक टू बीआर एंड बुक्स ऑफ बी बिल पेबल टू बैंक, ये वो केस जब बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी। दिस इज द केस व्हेन बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का ड्रॉअर ने अपने पास ही रखा बिल। समझ में आया, बोलो यहां तक, पैसा दे दिया और एक जगह पैसा आ गया, कोई डाउट? कम टू पेज नंबर 17.36, क्वेश्चन नंबर टू, पेज नंबर 17.36, क्वेश्चन नंबर टू देखो। ऑन 10th मार्च 2021 ए ड्रॉ ऑन बिल बी अ बिल एट 3 month फॉर 20,000 विच बी एक्सेप्ट इमीडिएटली एंड रिटर्न टू ए। 10 मार्च 2021 को ए ने एक बिल बनाया बी के ऊपर 3 महीने का 20,000 को, जिसको किसने एक्सेप्ट कर लिया, बी ने, और किसको रिटर्न कर दिया, द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, और ड्यू डेट पे बिल को ऑनर भी कर दिया, ऑनर मतलब पेमेंट कर दिया। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टी, तो बनाओ फॉर्मेट। सेकेंड क्वेश्चन, डेट बुक्स ऑफ ए और बुक्स ऑफ बी, बनाओ प्रॉपर फॉर्मेट। डेट बुक्स ऑफ ए, और इधर बुक्स ऑफ बी, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी तारीख को बिल बनाया, 10 मार्च को। अब यहां पे सेल की एंट्री नहीं करनी है, क्यों, डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ड्रॉ करता है बिल किसके ऊपर, तो ए ने ड्रॉ किया, तो बी ने क्या किया, तो सेल की एंट्री नहीं करनी है, ड्रॉ की एंट्री करनी है। तो बताओ इस केस में ए क्या बोलेगा, तू कितने रुपए की, अच्छा बताओ इसमें बी सेकंड एंट्री की फर्स्ट एंट्री है, बी भाई पहले सेल परचेज हो चुका होगा ना, तभी तो बिल बन रहा है, सोचना कहां पड़ रहा है, अब सेल परचेज हो चुका है, अच्छा बिल रिसीवेबल फर्स्ट एंट्री सेकंड है, फर्स्ट, और बी अपनी बुक्स में क्या करेगा, 20,000 रुपए से। समझ में आया, कितने महीने का बिल, तो 10 मार्च से 3 महीने पकड़ो, 10 मार्च से 3 महीने, 10 मार्च से 10 अप्रैल, 10 अप्रैल से 10 मई, और 10 मई से 10 जून, और 3 दिन ग्रेस के जोड़ो तो 13 जून, तो 13 जून को क्या होगा, अब पैसा आएगा, तो बैंक टू बिल रिसीवेबल, और ये पैसा देगा, समझ में आया, देखो फटाफट। तक समझ में आया, करो फटाफट। अब लिखो नेक्स्ट कंसेप्ट,
डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद द बैंक, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद द बैंक, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद द बैंक। अब देखो डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, इस कंसेप्ट को समझना। ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर और मान लो बिल का वैल्यू था 50,000 रुपए। बिल ड्रॉ किया मान लो 1 जनवरी 2021 को, 3 महीने का ड्यू डेट था। बिल ड्रॉ किया 1 जनवरी 2021 को, 3 महीने का ड्यू डेट था। मतलब बताओ बी पेमेंट कौन सी तारीख को करेगा ए को? 3 महीने, 4 अप्रैल, मैच्योरिटी के साथ खत्म होंगे, 4 अप्रैल को पेमेंट करेगा। अब ए बी को ऐसा बोलता है, देख यार भाई मैं 4 अप्रैल तक नहीं रुक सकता हूँ पेमेंट के लिए। ए क्या बोलता है कि मैं 4 अप्रैल तक पेमेंट के लिए रुक नहीं पाऊंगा, मेरे को तो पेमेंट आज के आज हाथों अच्छी है। ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर और ड्रॉ किया कौन सी तारीख को? 1 जनवरी 2021 को, 3 महीने की ड्यू डेट है। सामने वाला बंदा बोलता है मैं पेमेंट करूंगा 4 अप्रैल को। अब बी ये बोलता है कि मैं तो भैया पेमेंट 4 अप्रैल से पहले नहीं कर सकता हूं, तेरे को ट्रेड करना है तो कर वरना मत कर। अब ए बोलता है पेमेंट सेल भी करना नेसेसिटी, वरना धंधा कैसे करूं। लेकिन ए के साथ दुविधा ये, ए बोलता है मेरे को तो पैसा आज के आज ही चाहिए, मैं 3 महीने नहीं वेट कर पाऊंगा। ए क्या बोलता है कि मेरे को पेमेंट आज ही चाहिए। बी ने कहा भैया मैं तो आज नहीं दे सकता। अब ए देखता है मैं क्या करूं क्या करूं, तो ए वो कागज का टुकड़ा जो था ना, वो एग्रीमेंट था, मैंने बताया था ना, वो कागज का टुकड़ा, जैसे मान लो ये कागज का टुकड़ा था, ये अपना कागज का टुकड़ा था, ये एग्रीमेंट था अपना। अब ए को लगता है यार ये टुकड़ा जो है ये 50,000 रुपए का टुकड़ा है, लेकिन ये 50,000 रुपए इसके अंदर आएंगे कब? 50,000 रुपए इसके अंदर आएंगे कौन सी तारीख को? मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी भगवान इसमें फूकेंगे और ये 50,000 रुपए बन जाएगा, बट मैच्योरिटी तक ये एक जीरो वैल्यू है। तो ए को लगता है यार 4 अप्रैल को तो 50,000 रुपए बन जाएंगे, बट आज 1 जनवरी को क्या करूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो या तो ए वेट करे, इसको अपनी जेब में लेके घूमे, भैया 4 अप्रैल तक जेब में रखेंगे, फिर 4 अप्रैल, लेकिन पैसों की जरूरत तो आज है, इसके तो कोई 50,000, इसका तो टुकड़ा है, तो 4 अप्रैल को इसके अंदर ताकत आएगी और ताकत आके 50,000 बन जाएंगे, बट आज तो ये जीरो कुछ वैल्यू नहीं। तो एक जाता है किसी, पकड़ता है किसी बंदे को, और बंदा होता है कौन? बैंक। और जाकर के उसको ये बोलता है बैंक आप मेरी मदद करो। बैंक बोलता है क्या मदद करें? बोलता है मेरे पास एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसके अंदर 4 अप्रैल को शिवजी आएंगे ऊपर से, इसमें फूकेंगे और इसमें 50,000 बन जाएंगे, बट आज इसमें शिवजी फूक नहीं रहे। बोले क्योंकि ये कानून के हिसाब से 4 तारीख को मैच्योर होगा। ये क्या बोलता है कि ये कानूनी मैच्योरिटी 4 तारीख को होगी, 4 अप्रैल को, और आज हुई 2 जनवरी या 1 जनवरी, और मेरे को पैसों की जरूरत है, मेरे को सख्त पैसों की जरूरत है, और बी मेरे को 4 तारीख के पहले पैसा नहीं देगा। तो ए बैंक को बोलता है ये कागज का टुकड़ा आप रख लो। ये क्या बोलता है कि ये कागज का टुकड़ा आप रख लो और मेरे को आज पैसा दे दो। अब बैंक सोचता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पैसा दे देना चाहिए, 4 अप्रैल को पैसा आएगा। लेकिन बैंक बोलता है भैया मैं तेरी मदद क्यों करूं? बैंक बोलता है मैं क्यों मदद करूं, मैं कोई मंदिर थोड़ी ना जो हर आदमी मदद करे, मैं तो नहीं करता मदद। अब ए बोलता है नहीं मदद तो करनी पड़ेगी। आप ए पाँव में गिर जाता है, बोले नहीं मदद तो करनी पड़ेगी। बोले मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, बोले कागज टुकड़ा लेके कहाँ जाऊं मैं। तो बैंक बोलता है मेरे को कुछ फायदा देवे तो मैं तेरी मदद करूं, दुनिया में तो पैसा होगा फायदा मिलेगा तो काम करूंगा, वरना मैं तो नहीं काम करता। तो पूछता है क्या फायदा दूं बताओ, क्या चाहिए आपको? तो बैंक बोलता है देखिए काम कर, बी हमको 4 तारीख को इसके अंदर कितना भगवान फूक के ताकत डाल देंगे, अब शिवजी फूक देंगे तो ना 5 लाख रुपए बन जाएंगे, ये कितना बन जाएगा? 50,000 रुपए। लेकिन बनेगा कब? 4 अप्रैल को। तो बैंक बोलता है देख मैं तेरे को आज पैसा देता हूं और ड्यू डेट को बी मेरे को कितने रुपए दे देगा? 50,000। वो लेकिन आज मैं तेरे को 50,000 नहीं दूंगा, थोड़ा मैं भी बीच में कमा लूं, मेरे को मौका मिला है कमाने का। बोले तेरे से गिड़गिड़ाते लोग मेरे पास आए, मैं कमाऊंगा तुम्हारे से। तो ए बोलता है क्या चाहिए आप बताओ,
बैंक बोलता है देख 50,000 तो नहीं, मैं काम करता हूँ तेरे को आज, मैं उन 50,000 रुपए दे देता हूँ, कितने रुपए दे देता हूँ, और ड्यू डेट को 20 से मैं पैसा कितना उठा लूंगा, 50,000। ये बोलता है मेरी मजबूरी का फायदा उठाओगे, बोले हाँ उठाएंगे, दुनिया में हर आदमी उठाता है। तो ये बोलता है ठीक है करो, तो बैंक देखता है मैंने बीच में 1,000 रुपए कमा लिए, ये देखता है मेरे को आज 50 या 49 मिले, मिल तो गए, 3 महीने तो कौन वेट करता, आज जो बिजनेस करूंगा और पैसा कमाऊंगा, और ड्यू डेट को भी 50,000 बैंक को दे देगा। ए भी खुश, बैंक भी खुश, बी भी खुश, सब खुश, लेकिन अपन पढ़ेंगे नहीं तो खुश होंगे नहीं, है ना, समझे बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंटिंग मतलब अब ये टुकड़ा एक इसको दे देगा, ले जा करके बैंक ले लेगा, बोला ये टुकड़ा मेरे को दे, अबे ताकत मेरी हो गई और तू पैसे लेकर रवाना हो। अब बी के पास ड्यू डेट पे ए गया, लाओ पैसा दो, बी पूछे वो टुकड़ा कहाँ है, वो जो मैंने बताया था वो टुकड़ा तो मेरे पास नहीं है, तो बी धक्के देगा, निकालेगा, निकलो यहां से। अब बताओ वो टुकड़ा किसके पास पड़ा है, तो वो कागज कर लेके जाकर बैंक जाएगा तो बैंक को पैसा दे देगा। बी बी बोलेगा मैं तो जानता ही नहीं बैंक कौन हूं, मैं तो सिर्फ उस टुकड़े को खत्म करूंगा, बिल पेबल है, मैंने लाइबिलिटी खत्म करी। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है बच्चों, ड्यू डेट से पहले पैसा मिल गया ड्रॉअर को, ड्यू डेट से पहला पैसा किसको मिल गया, ड्रॉअर भी खुश, ड्रॉई भी खुश, बैंक भी खुश, और सब खुश, बस सर नाराज, पढ़ते नहीं हो इसलिए, है ना, समझ में आया। अब मेरे को एक बात बताओ, वापस से बोल रहा हूं, इन दो एंट्रीज के अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, इन दो एंट्रीज में लिखा है था ना, चारों केस में ये दो एंट्री क्या रहनी है सेम, भूलना नहीं, कसम खा लो सर नहीं भूलेंगे, बोलो भूल जाओगे, नहीं भूलेंगे, समझ में आया। तो अब लिखते हैं, लिखो अब डिस्काउंटिंग के केस में जनरल एंट्री, दो एंट्री तो सेम रहेगी, तो लिखो फर्स्ट टू एंट्री विल रिमेन एज अबव, विल रिमेन एज अबव, कसम खाते हो फिर झूठी कसम खा लेते हो फिर भूल जाते हो, बादाम नहीं खाते हो कसम खा लेते हो, हाँ बादाम खाया करो, महंगी बादाम लाया करो, खाया करो, दिमाग चलेगा। फर्स्ट टू एंट्री विल रिमेन सेम एज अबव। अब एडिशनल एंट्री, एडिशनल एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग, अब इसमें वापस ऐसे ही, अब वो दो एंट्री सेम है वो नहीं कर रहा हूं मैं ना, तो केस बुक्स ऑफ ए और बुक्स ऑफ बी। अब केस क्या होगा, दो वो दो केस तो सेम हो गए, अब इस केस में बिल को उसने अपने पास रखा, बिल किसको ले जाके दे दिया, और बैंक को ले जाके दे दिया, मतलब कहते हैं ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, तो ए के पास पैसा आएगा, तो पैसा आया, पैसा आता है बैंक डेबिट करते हैं। अच्छा बताओ डिस्काउंटिंग 1,000 रुपये किसका खर्चा है, बी का खर्चा है कि ए का खर्चा है, तो ए अपनी बुक में खर्चा बुक करेगा, तो बोलेगा डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल रिसीवेबल 50,000। अमाउंट मत लिखना, मैं तुमको लॉजिक समझा रहा हूं ना, अमाउंट नहीं लिखना है ना, इसके बी को कुछ मतलब है क्या, बी को कोई मतलब नहीं, बोले तुम्हारी मर्जी हो जो करो उस टुकड़े का, मेरे को कोई लेना देना नहीं। अब बताओ वो टुकड़ा ए के पास रहा क्या या चला गया, चला गया तो ए ने बुक से भी हटा दिया, चला गया ना वो तो बैंक की तिजोरी में, तुम्हारी बुक से हटाओ, तो देखो हमने बुक से हटा दिया बी आर, पैसा आ गया अपने पास आज ही, और ये अपना खर्चा था इसलिए एक्सपेंस था तो खर्चा बुक कर दिया, समझ आया। अच्छा बताओ ड्यू डेट को अब ए को कुछ मतलब है क्या, ये बोलेगा मेरा क्या लेना देना, बोले मेरा तो पैसा आ गया काम खत्म हुआ, ड्यू डेट आई, ये बोलेगा अपना कोई लेना देना ही नहीं है उससे, बट बी क्या बोलेगा, मेरे को तो पेमेंट करना है, और पेमेंट किसका करना है, तो बिल पेबल टू बैंक, समझ में आया पक्का, इसे एंट्री होगी। कोई प्रॉब्लम,
ठीक है, एनी डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो पेज नंबर 17.36 पे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबरा सिंह, विनोद ने गुड्स किसको बेचे, कितने के? 1000 ऑन 1 जनवरी 2021। दरबरा सिंह को याद नहीं है, 1000 के बिल्स बेचे। ही ड्री ऑन लेटर अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल 3 मंथ आफ्टर डेट। ही डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक फॉर 990। ऑन मैच्योरिटी द बिल इज मेट। मेक द जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ विनोद एंड दरबरा सिंह। अपने को विनोद की बुक्स में करनी है और दरबरा सिंह की बुक्स में करनी है, ठीक है? तो बनाते हैं फॉर्मेट, बनाओ डेट, बुक्स ऑफ विनोद एंड बुक्स ऑफ डी। डी सिंह, तारीख लगाओ 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021। अब विनोद ने सामान किसको बेचा, तो बताओ दरबरा सिंह क्या बनेगा, क्रेडिटर बन जाएगा, डेटर। अब गड़बड़ मत करना, है ना, बचपन से सीखते आ रहे हैं जर्नल एंट्री। बचपन मतलब अपना कॉमर्स का बचपन जब से चालू हुआ, है ना, कब से चालू हुआ कॉमर्स का बचपन, 11th क्लास से, और शुरुआत सीखते आ रहे हैं फिर जर्नल एंट्री में गड़बड़ कर देते हैं, है ना। चलो तो अब बोलाओ फर्स्ट एंट्री क्या करें, सेल की, तो क्या करें, डी अकाउंट डेबिट, मैं डी कर देता हूँ, दरबरा सिंह बड़ा नाम है ना, डी अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए से करें, और इधर क्या करें, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद 1000 रुपए से। बोलो यहां तक कोई तकलीफ? डी कौन सी कैटेगरी, रिकॉल में असेट और सेल्स रेवेन्यू, और डी के बारे में परचेज कौन सी कैटेगरी, एक्सपेंस और वी, समझ आ गया? अब किसने किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, अब वी ने डी के ऊपर ड्रॉ किया, अब वी ने डी के ऊपर ड्रॉ किया तो क्या होगा, बिल ड्रॉन, ये तो नरेशन लिख सकते हो ना, बीइंग गुड सोल्ड डी, सॉरी तो डी बीइंग बिल ड्रॉन, और ये क्या बोलेगा, वी टू बिल पेबल बीइंग बिल एक्सेप्टेड, समझ में आया? बोलो नरेशन एक लिखा दिया मैंने करके, एग्जाम में लिख देना, ठीक है ना, बट एक समझ लो नरेशन के साथ, है ना, समझ आया? गड़बड़ मत कर देना। अब बताओ किसके पास बिल है यहाँ पे, विनोद के पास कि दरबरा सिंह के पास, बिल किसके पास पड़ा है, तो विनोद ने डिस्काउंट कराया, और डिस्काउंटिंग कितने पे कराया, 990 पे, तो 1 जनवरी 2021 को पैसा आया कितना आया, 990। 4 जनवरी को डिस्काउंट कराया, सॉरी ये डेट 4 जनवरी बोल रही है, तो डिस्काउंट कराया। अच्छा बताओ डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना है, अच्छा इसकी बोलो, विनोद को ये एंट्री करेगा, दरबरा सिंह कुछ भी, तो बोले वो तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है, और अब ड्यू डेट को क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं करेगा, 4 जनवरी ड्यू डेट कौन सी आएगी, 3 महीने का बिल है, तो 4 अप्रैल ये कुछ नहीं करेगा, और ये क्या बोलेगा, ₹1000, समझ आ गया?
कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सिक्स क्वेश्चन देखो। कॉपी कर लिया क्या? कॉपी कर लो फटाफट, फिर क्वेश्चन और सिक्स देख लेते हैं। फटाफट करो कॉपी, है ना? क्वेश्चन सिक्स और देख लो। चलो क्वेश्चन सिक्स पे आओ। ए सेल गुड्स ऑफ 10,000 टू बी ऑन 1st मार्च, बी एक्सेप्ट द बिल एंड पेबल ए डिस्काउंट। ठीक है, बनाओ फॉर्मेट। बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी। तो डेट बुक्स ऑफ ए। अब ए ने बी को गुड्स बेचा 1 मार्च 2021 को, तो ए ने बेचा तो ए क्या करेगा अपनी बुक्स में एंट्री कितने रुपए से? 10,000 से। और बी क्या करेगा? परचेज टू ए 10,000। कोई दिक्कत? अब ये एंट्री तो याद हो जानी चाहिए, नींद में पूछना तो ही बता देना कि परचेज टू ए बी टू सेल, परचेज टू बी बी टू सेल। ये एंट्री गड़बड़ करना ही मत। ठीक है, ठीक है। अगला, बी एक्सेप्ट करता है बिल 3 महीने के बाद। बोलो बी ने क्या किया? एक्सेप्टेंस दे दिया। कौन सी तारीख को दिया? उसी दिन। तो बोलो इसके लिए क्या हो गया वो, और इसके लिए क्या होगा? समझ आया? लिख लो फटाफट। अच्छा, अब सब लोग ध्यान देंगे, अब सब लोग समझना। अब हुआ क्या समझना, ए ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर? बी पे। कौन सी तारीख को बिल ड्रॉ किया? कितने टाइम का बिल है? अब 3 महीने। 3 महीने कब खत्म है? मार्च, अप्रैल, मई। मई का महीना ही पूरा ले ले, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, 1 जून में 3 दिन और जोड़ो, कौन सा हुआ? तो सर बिल एक्सपायर होगा 4 जून को, इसके अंदर शिवजी ताकत फूकेंगे, है ना? ठीक है, ऐसा ही होगा ना? अब ए दौड़ा दौड़ा, ए ने कहा ठीक है 1 महीने, अपन 3 महीने बाद ही पैसा ले लेंगे। कितने टाइम बाद पैसा लेंगे? ए ने कोई दिक्कत नहीं, रखो बिल को अपनी तिजोरी में, कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे 1 महीना बीता, ए को अचानक पैसों की जरूरत पड़ी। जैसे 1 महीना बीता, ए को पैसों की जरूरत पड़ी। 1 मार्च का बिल था, 1 अप्रैल को ए को जरूरत पड़ गई पैसों की। अब ए ने सब चीज तलाश लिया, पैसा नहीं मिला, तो ए ने कहा नहीं, मेरे पास एक धन का एक लेटर पड़ा हुआ है। ए दौड़ के गया बी के पास, बोले मेरे को आज दया करो और मेरे को इसका पैसा दे दो। बी ने कहा निकलो बाहर, तुमको जानता ही नहीं हूं मैं। बोले इसमें भी ताकत आई कि 4 जून को, उसके पहले दिखना मत। अभी बोलता है नहीं, मेरे ए बोलता है मेरे को कुछ करके पैसा चाहिए। ए दौड़ दौड़ जाता है किसके पास? बैंक के पास। कितने टाइम बाद गया? 1 महीने के बाद। अब बैंक को जाके बोलता है, बैंक जी मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट लाया हूँ, मेरे को पैसा दो इसका। बैंक देखता है क्या डॉक्यूमेंट है, बोले अच्छा इसका 4 जून को मैच्योर होगा ये। बोलता है हाँ 4 जून को होगा। तो तुम आए कौन सी तारीख को? बोले आज 1 अप्रैल है, मान लो ये सब कार्रवाई करते हुए 4 अप्रैल आ गई, कौन सी डेट आ गई? तो बैंक बोलता है अभी कितने महीने और बाकी हैं इसको खत्म होने में? 2 महीने। तो बोलता है आप कुछ पैसा काट लो लेकिन मेरे को पैसा दे दो। बैंक बोलता है ठीक है, हम है ना पैसा काटेंगे 6% पर एनम की रेट से। बैंक क्या बोलता है, पैसा क्या रेट से काटेंगे? 6% का मैं कर्जा काटूंगा। बोलता है 6% काटो आप और पैसा दो मेरे को। अब बताओ ये बैंक के कितने टाइम बाद बैंक के पास गया? बिल जब ड्रॉ किया उसके 1 महीने बाद गया ना, तो बिल को खत्म होने में कितना टाइम बाकी है अभी? अगर मान लो ये 4 अप्रैल को ही, 4 मार्च को ही चला जाता, तो बैंक कितने महीने का डिस्काउंटिंग चार्ज लेता?
बट ये गया ही 4 अप्रैल को, जिस दिन बिल को खत्म होने में टाइम कितना है, तो बैंक डिस्काउंटिंग चार्ज कितने टाइम का लेगा, 2 महीने का। तो बैंक बोलता है ठीक है मैं डिस्काउंटिंग चार्ज निकालता हूं। तो ये बोलता है वो आप क्या निकालते हो, वो तो हमारे बच्चों को ही पता है ना, वो सर बचपन से पढ़ रहे आ रहे हैं। बोले ये सब कैलकुलेशन तो आप किया ही मत करो। निष्ठा कह रही है सर ये कैलकुलेशन मत किया करो, तो ही नहीं हमारे ऊपर आप कैलकुलेशन करते हो ऐसी। ठीक है कितने का बिल है देखो, 10,000। बोले सर 10,000 पे 6%। बोले ऐसी कैलकुलेशन आप हमको मत कराए, तो हम खुद ही कर लेंगे। कितने महीने की, 2 महीने की, तो सर आप 2/12 लिख दो। अब तुम बोलो सर 2 महीने ऐसा क्वेश्चन में कहाँ लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन के अंदर। बोल रहा है 4 अप्रैल को दिख रहा है नीचे, ए डिस्काउंट द बिल फ्रॉम द बैंक ऑन, क्वेश्चन नंबर छठे में तीसरी लाइन में, 4 अप्रैल को कौन से डिस्काउंट करा रहा है, 4 अप्रैल को ना, 1 महीने बाद। तो सर अब ये कैलकुलेशन कैसे करें। बोले सर ये मत पूछो, ये ऐसे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो यह आया 100 रुपये। ठीक है तो बताओ अमाउंट कितना पे करेगा बिल, अमाउंट पेड बाय बैंक कितना देगा, 10,000 है ना। अब बताओ जनरल, ये तो एंट्री समझ आई। अब 4 अप्रैल को पैसा आया, कितना पैसा आएगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस टू, इसका कागज टुकड़ा गया। बी बोले तुम्हारी को जो मर्जी हो करो, हमारा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक हम तुमको नहीं जानते। और जिस दिन ड्यू डेट आई कौन सी, ये बोले मेरे को कुछ करना ही नहीं, अपना पैसा आ गया। ये बोले मैंने पैसा दे दिया, कितना मैंने कितना पैसा दे दिया, 10,000। बोलो समझ में आया, करो ये वाला कैलकुलेशन, ये नोटिंग करो पहले फटाफट कर लो नोटिंग। करो फटाफट करो नोटिंग। ठीक है बस ये नीचे ये वर्किंग और लिख लेना, डिस्काउंटिंग चार्जेस की वर्किंग और लिख लो। कर ली नोटिंग यहाँ तक, इधर डिस्काउंटिंग चार्जेस की वर्किंग और लिख देना है वाली है ना, फटाफट नोट करो। बस आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना। देखना अब मंडे को है।